जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है लेकर एक और डबल हेडर। जी हाँ, डबल हेडर्स का दौर है और इस डबल हेडर के साथ सभी टीम अपना एक एक मैच खेल लेंगी। आज फिर से दो मैच, जिसमें पहला मैच SRH वर्सेस RR है, मतलब सनराइजर्स हैदराबाद का मैच होगा राजस्थान रॉयल्स से और मैच होगा राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में। पिच का मिजाज राजीव गांधी स्टेडियम का क्या कहता है? पिच कहती है कि जब राशिद खान हमारी टीम में थे, मतलब SRH की टीम में थे, तो हम स्पिन को थोड़ी सी हेल्प करा देते थे ताकि विकेट्स मिल सकें। राशिद गए तो थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ और लास्ट जो इंटरनेशनल T20 वहां पे हुआ, वहां पहले खेलने वाली टीम ने 196 बनाए जो कि चेज हो गए। अब राशिद खान तो अब भी नहीं है, तो फिर ऊंट किस करवट बैठेगा? मुझे जैसा लगता है चूंकि पिचेस भी फ्रेश रहेंगी, अभी पहला ही मैच राजीव गांधी स्टेडियम में बड़े दिनों के बाद होने जा रहा है, तो शायद फिर से पिच बैटर्स को हेल्प करे और बॉलर्स को शायद उतनी हेल्प ना मिले। जो स्किल बेस्ड बॉलर हैं उनको ही मिलेगी जितनी भी हेल्प मिलेगी, ऐसी संभावना है। इस तरीके की प्रिडिक्शन मेरी है पिच को लेके। प्लेइंग 11 पे आ जाऊं तो देखिए, SRH जो कि मेजबान है उनके लिए बड़ी खबर यह है कि उनके तीन खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के हैं फॉरेन रिक्रूट्स, कौन? कप्तान एडन मार्करम, मार्को यानसन और हेनरिक क्लासन, तीनों ही अवेलेबल नहीं है फॉर फर्स्ट मैच क्योंकि नेदरलैंड्स के साथ ODI सीरीज चल रही है साउथ अफ्रीका की, जिसके चलते ये तीनों अभी तक नहीं आ पाए। तो मेकअप कैसे होगा, क्या क्या बनेगी फैंटेसी टीम, चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से SRH की जो प्लेइंग 11 होने जा रही है उस पर बात कर लेते हैं। मैं फैंटेसी बोल गया, गलत बोल गया, प्लेइंग 11 पे पहले चर्चा कर लेते हैं SRH की। मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे पक्का है, इनके साथ ओपन करते दिख रहे हैं मुझे अभिषेक शर्मा, 3 नंबर राहुल त्रिपाठी वो है, 4 नंबर ग्लेन फिलिप्स। जब वो सीजन से पहले हम प्लेइंग 11 बना रहे थे तो कह रहे थे ग्लेन फिलिप्स को मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन देखिए हेनरिक क्लासन नहीं है, एडन मार्करम नहीं है, तो ग्लेन फिलिप्स को पहले ही मैच में मौका मिलेगा और बड़ा गोल्डन चांस है एज ए विकेट कीपर अपना प्लेस सीमेंट करने का। और हेनरिक क्लासन को कहिए कि ठीक है आप साउथ अफ्रीका से आ गए लेकिन डग आउट में बैठेगा। उसके बाद हैरी ब्रूक फिट एंड अवेलेबल, वॉशिंगटन सुंदर, मैं इस सीजन सुंदर को @6 खेलते देख रहा हूं हैदराबाद के लिए, क्योंकि जितना आप इनको ऊपर खिलाओगे उतना आउटपुट ज्यादा आएगा। फिर उसके बाद अब्दुल समद, फिर अकील हुसैन, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और फजलुक फारकी के साथ ये प्लेइंग 11 SRH का पूरा हो जाएगा। जहां तक इंपैक्ट प्लेयर की बात है तो अब्दुल समद को इधर उधर किया जाएगा, किसके साथ? टी नटराजन या कार्तिक त्यागी के साथ। बैटिंग समत करेंगे, बॉलिंग नटराजन या कार्तिक त्यागी करेंगे, जैसी परिस्थिति वैसे हिसाब से। बॉलिंग ऑप्शंस अगर आप देखें तो फजल उक फारूकी इनके डेथ बॉलर रहेंगे, भुवनेश्वर कुमार एक ओवर डालेंगे डेथ में, उनके साथ नटराजन या कार्तिक त्यागी जिसको लाया जाएगा वो भी डेथ में बॉलिंग करेगा। मिडिल ओवर्स की कमान उमरान मलिक के हाथ में रहेगी। पावर प्ले में आपको अकील हुसैन नजर आ सकते हैं, सुंदर नजर आ सकते हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ। दूसरी तरफ चलते हैं राजस्थान। राजस्थान का प्लेइंग 11 तो आपको पिछले साल से ही पता है कि क्या होने जा रहा है, उसमें सिर्फ एक प्लेयर का बदलाव होगा, दो का सॉरी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी बाहर हो गए। बटलर ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल के साथ, कोई इसमें चेंज नहीं है। 3 नंबर देवदत्त पडिक्कल हैं, फिर 4 पे हेटमेयर, 5 पे सॉरी 4 पे सैमसन, 5 पे हेटमेयर, पराग होल्डर, अश्विन, चहल, बोल्ट, कुलदीप सेन के साथ ये प्लेइंग 11 पूरा होगा। कृष्णा की जगह ये लेकर आए हैं संदीप शर्मा को, लेकिन खेलेंगे क्या? संदीप शर्मा एज ए इंपैक्ट प्लेयर इस टीम में आ सकते हैं, किसकी जगह आएंगे? इन सारे जो बैटर्स हैं प्योर बैटर्स, इनमें सबसे खराब फील्डर कौन है? उसकी जगह देवदत्त पडिक्कल लॉन्ग ऑफ, रेयान पराग लॉन्ग ऑन, तो बचा कौन? यशस्वी जायसवाल। तो यशस्वी जायसवाल बैटिंग करके बाहर बैठेंगे, संदीप शर्मा आ जाएंगे मैदान में गेंदबाजी करने। इस तरीके की संरचना राजस्थान की इस सीजन हो सकती है। चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की। तो मेरे हिसाब से इस मैच के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं वो सुंदर हैं, वो हैरी ब्रूक हैं, वो उमरान मलिक हैं, बटलर हैं, सैमसन हैं। अब देखिए इनका गेम कवर अच्छा है या ये इम्पैक्ट प्लेयर इसलिए क्योंकि जिस परिस्थिति में ये बैटिंग या बॉलिंग करने आएंगे वहां आके बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये कहानी है इन प्लेयर्स की। ग्रैंड लीग के हिसाब से थोड़ी रिस्की प्लेयर्स की बात करूं तो अकील हुसैन, ग्लेन फिलिप्स, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। अब कहेंगे चहल बोल्ट ये रिस्की कब से हो गए? सही बात है,
लेकिन इनको कैप्टन वाइस कैप्टन लोग कम बनाएंगे। तो हैदराबाद में अगर स्पिन थोड़ा सा भी टर्न करेगी तो चहल को विकेट मिल सकते हैं, इसलिए चहल को बोल्ट को आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई ग्रैंड लीग प्लेयर्स की बात। आ जाते हैं अब आपकी फैंटेसी टीम पे, लेकिन आपको फैंटेसी ट्राई क्या करना है दोस्तों? आपको फैंटेसी ट्राई करना है विजन 11 ऐप पर। बड़ा ही शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त ऐप है। डिपॉजिट ऑफर्स चल रहे हैं, उसके अलावा गिव अवेज हर दिन आपको मिल रहे हैं, उसके अलावा रिवर्स फैंटेसी सेशन, बैटिंग टीम, बॉलिंग टीम सब बना के खेल सकते हो। मल्टी स्पोर्ट ऐप है, तो आगे जो भी इवेंट आएंगे उनमें आपको कोई दूसरी ऐप ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अभी जुड़िएगा, आज ही जुड़िएगा और खेलिए विजन 11 पर। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम फैंटेसी टीम की। तो देखिए, पहले कॉमन पिक्स की बात कर लेते हैं, प्लेयर्स के नाम के हिसाब से, इम्पैक्ट के हिसाब से, जो कॉमन प्लेयर सब लोग लेके चलते हैं उन पे चर्चा हो जाती है। तो देखिए, जॉस बटलर और संजू सैमसन सबकी टीम में मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं मिलने आ रहा जो इनको नहीं लेगा, सब लेंगे। पहले मैच में तो सब लेंगे, आगे फॉर्म की बात। बैटर्स में राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल सबकी टीम में मिलेंगे आपको। ऑलराउंडर्स में जेसन होल्डर सबको मिलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो ऑलराउंडर ऑप्शन बन रहे हैं उनमें होल्डर सबसे अच्छी पिक साबित हो रहे हैं, इसलिए होल्डर सबकी टीम में मिलेंगे। और ट्रेंट बोल्ट, छह प्लेयर सबकी टीम में मिलेंगे। कहानी पांच खिलाड़ियों की है, जो पांच खिलाड़ी अच्छे बुन लेगा वो विनर। तो हमारे क्या बुने जाते हैं प्लेयर, उन पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है सैन सैमसन हो गए, बटलर हो गए, और बटलर हमारे कैप्टन भी हो गए, क्योंकि जिस तरीके का आजकल T20 में गेम खेलते हैं, ओपनिंग करेंगे तो कैप्टनसी के प्रबल दावेदार हैं। हैदराबाद में अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। तीसरा विकेट कीपर हम ग्लेन फिलिप्स लेके जा रहे हैं। चार नंबर पे बैटिंग करेंगे ग्लेन फिलिप्स, विकेट कीपिंग करेंगे। इम्पैक्ट तो आएगा, फॉर्म अच्छी है, इंडिया में अच्छा खेले अभी रिसेंटली। तो ग्लेन फिलिप्स हमारे तीन विकेट कीपर हो गए, और तीन विकेट कीपर हम इसलिए अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बॉलिंग में या ऑलराउंडर में ऐसे ऑप्शन नहीं जो हमारे मस्ट पिक हो। तीन हमारे विकेट कीपर हो गए। बैटिंग में आ जाते हैं, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी के बाद दो प्लेयर्स थे जिनमें मैं कंफ्यूज था, सिमरन हेटमेयर लूं या हैरी ब्रूक लूं। ब्रूक को इंडिया में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन पिच कैसी खेलती हैं ही हैज नो आइडिया। बड़ा नाम है, इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, पक्की बात है, लेकिन हेटमेयर भारत में कई सीजन से खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, भारत की रग रग से वाकिफ हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट इस मैच में हेटमेयर बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं इंपैक्ट हेटमेयर को लेके जा रहा हूँ हैरी ब्रूक के ऊपर। राहुल त्रिपाठी मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का गेम उन्होंने आजकल चलाना शुरू किया है, बड़े कम टाइम में बहुत ज्यादा फैंटेसी पॉइंट आपको वो निकाल के दे सकते हैं। और जैसा भी बैटिंग लाइनअप बन रहा है, मुझे लग रहा है इस बैटिंग लाइनअप में मयंक अग्रवाल जो है वो एंकर का रोल प्ले करेंगे, और बाकी साइड से अटैक होगा, तो इसलिए भी थोड़ा सा राहुल त्रिपाठी की तरफ एज है। ऑलराउंडर्स की बात करूं, होल्डर थे सुंदर को और ले आया मैं, क्योंकि छह नंबर अगर सुंदर बैटिंग करते हैं और चार ओवर की बल्लेबाजी बॉलिंग आती है, तीन की भी आती है, तो बड़े अच्छे खासे पॉइंट ये भी आपको दे जाएंगे। तीन बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट थे ही, चहल और उधर उमरान मलिक के साथ बात हो गई आपकी कंप्लीट। इस मैच की फैंटेसी टीम आपकी बन गई। अपडेटेड टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना है, अभी क्लिक करिए टेलीग्राम के लिंक पे जो कि पिंड कमेंट में दिया हुआ है, क्लिक करके जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे, और अपना प्यार हमें देते रहिएगा, मिलते रहेंगे। अगर लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन ना कर पाओ तो ऐप पे जाके सर्च कर लेना, ठीक है? फिलहाल इजाजत, आज के दूसरे मैच की वीडियो भी आने वाली है, अगर आप सुबह 7 बजे के बाद देख रहे हैं तो आगे होगी, वो भी देखें और प्यार देते रहें। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, जय माता।